Hi friends, electrical measurement section के third video में आपका स्वागत है। हम लोग first और second video में KCL और KVL law पढ़े थे और हम लोग कुछ application सीखे थे जहाँ पर हम लोग circuits में KVL और KCL apply करके उसको वहाँ से current voltage ये निकालना सीखे थे। आगे हम लोग कुछ और problems लेकर discuss करेंगे। तो कोई एक क्वेश्चंस कुछ हम लोग ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह का रहा कि कोई एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर, इस तरह का कोई सर्किट है, कहा कि ये रेजिस्टेंस 30 ओम का है, ये एक सेल है जिसका वोल्टेज है 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इधर एक सेल है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। कहा कि इस 30 ओम से कितना करंट पास करेगा या इसके अलावा कितना पोटेंशियल ड्रॉप पड़ेगा ये बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेल को दिखाएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग से हम लोग छोटा एक रेजिस्टेंस बनाकर दिखा देंगे। यहाँ पर भी हम लोग दूसरे सेल को दिखाएंगे और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग अलग दिखा देंगे। थर्ड रेजिस्टेंस हम लोग का 30 ओम ये हो गया। सर्किट क्लोज करेंगे, ये 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस जो था अलग दिखा दिया गया, इधर 2 ओम और ये 30 ओम। ये सेल है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, इस सेल का ईएमएफ 20 वोल्ट है। इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि सर्किट का हम लोग नेमिंग कर लेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ कर लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सेल पकड़ लिया कि I1 करंट सप्लाई कर रहा है, ये सेल I2 सप्लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर दोनों आकर मिल जाएंगे तो ये हम लोग का I पकड़ लिया गया। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं। अच्छा, यहाँ इस ब्रांच में हम लोग का इधर से I1 सप्लाई में आ रहा है तो इधर रिटर्न भी जाएगा हम लोग का कितना, I1। इधर से I2 आ रहा है तो रिटर्न होकर कितना जाएगा, I2 ही जाएगा। अब हम लोग दो अलग अलग सेक्शंस में KVL अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम लोग अप्लाइंग KVL इन सर्किट, पहले ऊपर वाले सर्किट में, मतलब ए बी डी ई ए, हम लोग जहां से स्टार्ट किए वहीं एंड करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कहे थे कि ये बीच वाला पहले सेक्शन को हम लोग बंद कर लेते हैं, कोई एक क्लोज लूप लेने से मतलब है। तो ऐसे स्टार्ट किया जाए, देखा जाए ये पहले वाले रेजिस्टेंस में हम लोग कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेशन ले रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल क्या होगा, हम लोग का माइनस होगा। पोटेंशियल यानी करेंट इंटू रेसिस्टेंस, तो -1 इंटू 1। फिर इधर आ जाया जाए सेल के लिए, तो देख रहे हैं हम लोग जिधर की तरफ कैलकुलेशन है जिधर करंट है उधर सेल का नेगेटिव प्लेट आ रहा है, तो जहां नेगेटिव आएगा हम लोग कहते हैं उसको क्या कर लिया जाएगा, पॉजिटिव। अगेन आगे की तरफ बढ़ा जाए, इधर कोई सेल या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर की तरफ है, इधर कितना है माइनस, जिधर कैलकुलेशन है उधर ही करंट जा रहा है, तो इधर का पोटेंशियल भी कितना होगा, -30 इंटू आई। फिर हम लोग देख लिया जाए आगे कोई रेसिस्टेंस कोई सेल नहीं है, यानी ओवरऑल ये पोटेंशियल कितना हो गया, हम लोग का जीरो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया जाए, आई की जगह पर I1 प्लस I2 रख देते हैं, ये 10 इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया जाए तो 31 I1 -30 I2 इक्वल्स टू -10 हो जाएगा, या फिर 31 I1 प्लस 30 I2 इक्वल्स टू हो गया 10। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। इसी प्रकार अब हम लोग अगले सेक्शन में, मतलब सर्किट एफ सी टी ई एफ में, फिर हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ पर KVL अप्लाई किया जाए, देखिए जाए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एफ से, हम लोग इधर भी कैलकुलेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लेते हैं, तो करंट जिधर जा रहा है कैलकुलेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो ये 2 ओम के अलॉन्ग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा।
फिर इधर देख रहे हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट और कैलकुलेशन के डायरेक्शन में नेगेटिव प्लेट आ रहा है तो ये पोटेंशियल हम लोग का हो जाएगा पॉजिटिव। फिर इधर की तरफ चला आया तो कैलकुलेशन और करंट सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल अब कुछ नहीं है और तो ये हो गया ज़ीरो। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्या मिलेगा, फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में इधर की तरफ पोटेंशियल माइनस टू इंटू आई टू, ये माइनस प्लेट है तो प्लस हो जाएगा, इधर आ जाया गया, जिधर करंट है उधर ही कैलकुलेशन, तो इधर का पोटेंशियल भी माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, माइनस टू इंटू आई टू प्लस ट्वेंटी माइनस थर्टी आई की जगह पर आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री इंटू आई वन ये हो जाएगा माइनस थर्टी टू आई टू इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी, और हो जाएगा थर्टी आई वन प्लस थर्टी टू आई टू ट्वेंटी, ये हो गया इक्वेशन थ्री। अब हम लोग आराम से इक्वेशन टू और थ्री को सॉल्व कर लेंगे और जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम लोग निकाल पाएंगे। आप लोग ट्राई करिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना होगा ये ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग को कोई इस तरह का प्रॉब्लम दिया, यहाँ पर कुछ सेल्स दिए हुए हैं। पहला जो सेल है उसका ईएमएफ दिया हुआ हम लोग का 2 वोल्ट, दूसरे का दिया हुआ है 1 वोल्ट, तीसरे का दिया हुआ है हम लोग का 3 वोल्ट, चौथे का दिया हुआ है 1 वोल्ट, मिडिल वाला रेजिस्टेंस हम लोग का 2 ओम है। इसके अलावा प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका 2 ओम दिया है, इसका 1 ओम दिया है, इसका 3 ओम दिया है और इसका 1 ओम दिया हुआ है। कहा कि यहाँ पर ये मिडिल वाले में तो 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा इसका वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही सीखे ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं उनको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह हम लोग अलग कर लेते हैं। तो पहला वाला सेल लिया जाए, इधर 2 वोल्ट है, इधर 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस अलग कर लिया गया, इधर 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 1 ओम है तो 1 ओम को इधर कर लिया गया, इधर 3 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, 3 ओम को अलग कर लिया गया। यहाँ आ जाया जाए, ये 1 ओम है और इसका ईएमएफ हो जा रहा हम लोग का 1 वोल्ट, इन सबको अलग कर लिया गया। बीच वाले रेजिस्टेंस को हम लोग दिखा दिया, ये कितना हो गया 2 ओम का। तो ये गई इक्विवेलेंट सर्किट की बात। अब आया हम लोग का करंट का डिवीजन, कैसे करंट को हम लोग डिवाइड किया जाए या करंट मतलब केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पकड़ लिया जाए कि ये सेल हम लोग का आई सप्लाई कर रहा है इधर से, तो इधर इंटर भी कितना करेगा, आई ही इंटर करेगा, इधर की तरफ आई ही आ रहा है, इससे भी जाएगा आई, इधर पकड़ लिया गया आई वन चला जा रहा है, तो इधर की तरफ बचा हुआ पार्ट कितना होगा, आई माइनस आई वन। देख लीजिए दोनों को ऐड करिए, यहाँ से ये आई आया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई माइनस आई वन प्लस आई वन कैंसिल होकर आई हो गया। ठीक है, तो ये आई वन इधर से भी जाएगा, इधर भी आई वन ही जाएगा, इधर तक आई वन आया। अब देखिए यहाँ से I1 माइनस आई टू जा रहा है, I माइनस आई वन जा रहा है, ये दोनों इस पॉइंट पर अगर मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो फिर आई ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पर अप्लाई हो गया। अभी सर्किट का हम लोग नेमिंग कर दिया जाए, लेबलिंग कर दिया जाए, इसका ए बी सी डी ऐसे कुछ नाम दे दिया गया। अब इसके अलग अलग सेक्शन में हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग KVL अप्लाई करते हैं सर्किट
ए बी सी ए में, तो ए बी सी ए में हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन का डायरेक्शन इस तरह से पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं करंट इधर जा रहा है, कैलकुलेशन भी इधर, तो इसका पोटेंशियल हम लोग का हो गया माइनस, माइनस टू इंटू आई। फिर इधर आ गया, हम लोग बैटरी का देख रहे हैं कि नेगेटिव प्लेट सामने पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, यानी प्लस टू हो गया। फिर इधर आ जाया गया, इधर प्लस आ जा रहा है, इधर माइनस, देखिए बैटरी का पॉजिटिव प्लेट सामने है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद इधर आया जाए, ये एक रेजिस्टेंस है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, कैलकुलेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस हो जाएगा। फिर अब इधर की तरफ बढ़ा जाए, कैलकुलेशन भी इधर, करंट भी इधर, तो इधर का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। इसको हम लोग आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगेन सर्किट, इस वाले सर्किट में अगर हम लोग देखा जाए, इसमें मान लीजिए कैलकुलेशन का डायरेक्शन हम लोग ये पकड़ते हैं, सर्किट का नाम भी उसी तरह से पकड़ लेते हैं, सी डी ए सी। सी डी ए सी में अगर हम लोग के वी एल अप्लाई करते हैं, तो देखा जाए क्या मिलेगा हम लोग को के वी एल अप्लाई करने से। इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखा जाए इधर की तरफ अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले ही इसका माइनस प्लेट सामने आ जा रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस हो जाएगा। फिर इधर जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, कैलकुलेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ आ रहे हैं, ये माइनस, ये प्लस प्लेट, प्लस प्लेट सामने आ जा रहा है कैलकुलेशन और करंट की डायरेक्शन में, तो प्लस को हम लोग ले लेंगे माइनस। फिर इधर बढ़ा जाए, करंट और कैलकुलेशन सेम डायरेक्शन में है, तो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वन इंटू आई वन। फिर इधर आ जाया जाए, हम लोग देखिए इधर से ऐसे जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सर्किट पकड़े हैं, तो इधर आ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या, करंट इधर जा रहा है, कैलकुलेशन हम लोग का इधर है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जानते हैं करंट और कैलकुलेशन का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो पोटेंशियल माइनस हो जाता है। अब इनको और इनको सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशन बना लेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आराम से आई वन, आई टू या आई जो भी वैल्यू निकालना है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका भी आंसर आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आया या नहीं। अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जाते हैं हम लोग। चार रेजिस्टेंस रहते हैं, उनको एक इस तरह के सर्किट में कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो हम लोग के अगले क्वेश्चन में इस तरह का कोई एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया हम लोग का, ये 10 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 5 ओम, इधर की तरफ गैल्वेनोमीटर है या कोई एक रेजिस्टेंस है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। गैल्वेनोमीटर रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस बोल देगा, ये भी 5 ओम, और ये पकड़ लिया गया 10 ओम। कहा कि यहाँ पर बताइए गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाएगा, या किसी सर्किट के किसी एक पार्ट में कितना करंट जाएगा ये बताइए। तो ऐसे सर्किट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम लोग को करंट डिवीजन को समझने में, बाकी इक्वेशन तैयार कर लेंगे तो उसको सॉल्व करने में हम लोग को सुविधा रहेगी। सबसे पहला काम करते हैं क्या, हम लोग इस सर्किट को फिर से थोड़ा अच्छे से बना लिया जाए। अब पकड़ लिया गया कि ये सेल जो है हम लोग का आई करंट सप्लाई कर रहा है, इधर से कितना करंट जा रहा है, आई करंट। आई को हम लोग दो पार्ट में इधर डिवाइड कर लिया, ये आई वन और इधर की तरफ आई टू पकड़ लिया गया, ठीक है। तो इधर आई वन जाएगा, ये आई वन इधर की तरफ गया, आई वन का पकड़ लिया जाए कि इधर आई थ्री पार्ट अलग हो जा रहा हम लोग का, तो इधर कितना बचेगा आई थ्री, यहाँ से आई वन आ रहा था, आई थ्री निकल गया, तो इधर कितना हो जाएगा,
I1 माइनस I3। देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए तो I मिल जाएगा। अब इधर से I2 आ रहा है हम लोग का, इधर से आ रहा है I3, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे हम लोग के, I2 प्लस I3। देखिए ये दोनों इधर आया, इस पॉइंट पर मैच करेगा, इधर से I2 प्लस I3 जाएगा। अब इस पॉइंट पर उधर से आ रहा है हम लोग का I1 माइनस I3 और इधर से आ रहा है I2 प्लस I3। तो अगर हम लोग कैंसिल कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2, मतलब जो करंट एंटर कर रहा था वही करंट हम लोग को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आराम से देख लिया, KCL अप्लाई हो गया, सर्किट का नेमिंग कर लिया जाए, A B C D कुछ भी नाम दे दिया जाए। अब यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे क्लोज लूप मिल जा रहे हैं, जैसे देखिए एक ये मिल रहा है ABDA, एक मिल जा रहा है BCDB, एक मिल जा रहा है हम लोग का ABC, इसको अगर EF दे दिया जाए तो ये ABCEFA, एक मिल जा रहा है ऐसे FADCEF। तो हम लोग किसी भी नेट सेक्शन में आराम से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके हम लोग को जो अननोन रहेगा उसको निकाला जा सकता है। तो कोई एक सर्किट हम लोग 5-6 इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, आप लोग को जो 2 इक्वेशन सुविधाजनक लगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आंसर निकाल लीजिएगा। जैसे पहले हम लोग ये इस सर्किट में अप्लाई करते हैं, जैसे कौन सा सर्किट लिया गया, ABDA सर्किट में, एक दो बस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए इधर कैलकुलेशन का डायरेक्शन ये पकड़ लिया गया, इधर देखते हैं इस ब्रांच में कैलकुलेशन और करंट सेम है तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस, इधर भी कैलकुलेशन करंट सेम है तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस। इस डायरेक्शन में आते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे गए तो इधर कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल हो गया हम लोग का प्लस, और कुछ नहीं है तो इस वैल्यू हो गया टोटल 0। ये कोई एक इक्वेशन हो गया। अगला इस पार्ट में हम लोग चलते हैं, इधर की तरफ हम लोग ये डायरेक्शन ले रहे हैं, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज BDCB, ये हम लोग सर्किट पकड़ लिया गया, यहाँ पर अप्लाई किया जाए, देखिए आ जाए करंट और कैलकुलेशन सेम है तो पोटेंशियल हो गया माइनस, इधर जाया जाए तो करंट और कैलकुलेशन सेम है तो यहाँ भी पोटेंशियल हो जाएगा माइनस, और इस डायरेक्शन में जाया जाए तो करंट और कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है हम लोग के अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। इसी तरह से अब हम लोग बाहर वाले नेटवर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम लोग पकड़ लिया गया कि ABCEFA में अप्लाई करते हैं, यहाँ पर शुरू किया जाए, देखिए करंट और कैलकुलेशन यहाँ पर सेम है तो पोटेंशियल हो गया -10 I1, इधर आ जाते हैं करंट और कैलकुलेशन सेम है तो पोटेंशियल हो जाएगा 5 I1 - I3, इधर चलाया जाए तो ये हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या कैलकुलेशन के डायरेक्शन में ही और करंट के डायरेक्शन में ही नेगेटिव प्लेट आ जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा 10 वोल्ट, इधर कैलकुलेशन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल हो जाएगा -10 × I, बाकी आगे कुछ नहीं है तो इक्वल्स टू 0 कर दें। तो ये 3 इक्वेशंस हम लोग के मिल गए। अब इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये बात जरूर यूज़ करेंगे कि I इक्वल्स टू कितना है, I1 प्लस I2, तो ये हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। तो ये किरचॉफ्स लॉ के कुछ प्रॉब्लम हुए, अगर कोई प्रॉब्लम और आपको कहीं परेशान कर रहा है तो उसको ज़रूर भेजिएगा, मैं सॉल्व कर भेजने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।